अवकाल बनाए रखे के लिए भय बनाए के रखना बहुत जरूरी है। तो देखा आपने, भोकाल बनाए रखने के लिए भय का बना रहना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिद जुनून का बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा और आज लेके आया हूँ आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कि आप इंटरव्यू में आप कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करें। देखो, जो अभी पॉलीटेक के अभी इंटरव्यू लगे हैं, उन इंटरव्यू में एक बात तो क्लियर हो गई है कि आपका जो रिजल्ट है वो हाथों हाथ आने वाला है। जिस दिन इंटरव्यू लास्ट इंटरव्यू होगा, लास्ट स्टूडेंट का इंटरव्यू होगा, उसी दिन ये क्या करेंगे, रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो इस इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें मेरे को सीखने को मिली हैं और वो मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने काफी बच्चों से बात की है जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनसे भी बात की है, जिनका नहीं हुआ उनसे भी बात की है, और क्या दोनों में डिफरेंस रहा है टॉपिक सिलेक्शंस में, वो मेरे को थोड़ा सा आइडिया लगाया कि हाँ, जो सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने सही टॉपिक सेलेक्ट किया था और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो उन्होंने थोड़ा सा टॉपिक सिलेक्शन में गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, और क्योंकि पॉलीटेक का था, लगभग लोग इक्विवेलेंट मार्क्स पे थे, इंटरव्यू की मार्क्स ही डिसाइडिंग फैक्टर था सिलेक्शन का, तो इसलिए आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार का इंटरव्यू अपनी कॉलेज एजुकेशन में होने वाला है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर के आपके इंटरव्यू लगेंगे वो ही डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है। ठीक है कि नहीं है? और आपने देखा होगा कि जो कट ऑफ गई है फाइनल और जो पहले कट ऑफ गई थी उसमें 18-20 नंबर का डिफरेंस है। कितने का है? 18-20 नंबर का डिफरेंस। ये डिफरेंस आपको कॉलेज लेक्चरशिप में देखने को मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा डिफरेंस। ठीक है कि नहीं है? तो 24 नंबर का पेपर होता है, अगर आप कट ऑफ पर भी हैं और 24 में से 24 नंबर भी आते हैं तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सकता है। तो लग जाइए जी जान से, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक्स की। देखो, अपने यहाँ पे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो एनालिटिकल, ऐसे बहुत सारे के पोर्शंस डिवाइडेड है। ठीक है कि नहीं है? और एक चीज जो आपको पढ़ के जानी है वो चाहे वहां जाके आप एक्सप्रेस करो ना करो, वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। कौन सी केमिस्ट्री है? एनवायरमेंटल। ग्रीन चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, डजंट मैटर, पर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पॉइंट टू पॉइंट आपको देखना है, एज वेल एज वाटर, वाटर आपको पोल्यूशन देखना है, आपको एयर पोल्यूशन देखना है। नॉइस पोल्यूशन के बारे में इतना ज्यादा पूछेंगे नहीं, लेकिन हाँ, सोइल पोल्यूशन के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो ये तो जनरल बात हो गई, जो अपन बोलते हैं जनरल नॉलेज के सेंस में क्वेश्चन होते हैं, तो पोल्यूशन वहां पे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, नहीं है? सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत अपने बारे में वो तो आप करोगे ही। आप यार, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही कह दिया था कि भाई आप अपने आप को, खुद को, अब तक तो इतनी बार आप लोगों को इंटरव्यू दे चुके हो आपस में, मैंने कहा था जो भी मिले उसको इंट्रोडक्शन दो, कम से कम घर वाले में मम्मी मिले मम्मी को दो, कोई बच्चा मिले बच्चे को भी इंट्रोडक्शन दो, जब तक उनके मन से अंदर से फीलिंग नहीं आई हाँ कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत गजब है, चलने दो इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक सिलेक्शन की। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग केमिस्ट्री है, अलग अलग केमिस्ट्री में अलग अलग यूनिट्स है, अलग अलग चैप्टर्स है, तो आपको फुल चैप्टर तैयार नहीं करना है। क्या नहीं करना है? फुल चैप्टर तैयार नहीं करना है। बोलोगे सर ऐसे कैसे, मैं बता देता हूं, आपके पास वहां पे मैक्सिमम 10 से 15 मिनट रहेंगे, 15 मिनट मैक्सिमम, 15 मिनट में आप पूरा चैप्टर समझा दोगे क्या? बोलो हाँ या ना, नहीं समझा सकते ना? तो आप चैप्टर की बजाय चैप्टर का कोई टॉपिक उठाओ। नहीं समझे? जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप नॉन सिक्वेंशन उठा लो, थर्मोडायनेमिक्स है एंट्रोपी उठा लो, एंथैल्पी उठा लो, किरचॉफ लॉ उठा लो, हैस लॉ उठा लो, उसके दो तीन एग्जांपल उठा लो, बोन हेबर साइकिल उठा लो इनऑर्गेनिक में, वीबीडी उठा लो,
समझ में आई बात? वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन कर दूं वहां पे। एक टॉपिक उठाना है आपको, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जा रहे हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दो, मोड ऑफ वाइब्रेशंस बता दो, आप एनएमआर एक्टिव इनएक्टिव न्यूक्लियाई बता दो, एनएमआर का प्रिंसिपल समझा दो वहां पे, यूवी का प्रिंसिपल समझा दो, टाइप ऑफ ट्रांजिशन समझा दो। वहां पे पूरी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। आप मान लो कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी तो सबसे पहले बोलोगे इस रीजन में आती है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ये होती है, वो होती है, वो बोलेगा ठीक है आके बैठ जाओ यार, क्योंकि वो देख लिया कि ये चैप्टर पढ़ गया है और चैप्टर 15 मिनट में नहीं समझाया जाएगा। आप उस टॉपिक जो चैप्टर है उस चैप्टर में से भी एक टॉपिक पढ़ के जाओ और 15 मिनट में उसको पूरा समझा गया हो। आप अगर पूरा पढ़ा दिया वहां पे तो जीत में रहोगे आप। उस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन कर दिया तो आप जीत में रहोगे, ये मान लो प्लस में रहोगे वहां पे उसे, ठीक है कि नहीं है? क्लियर है? 15 मिनट में समराइज करना है, ज्यादा तेज नहीं चलना है, ज्यादा स्लो नहीं चलना है। बोर्ड का यूज में, बोर्ड का यूज मैक्सिमम करना है, एक्सप्लेनेशन भी आपको बोर्ड पर लिखते हुए ही करना है, ठीक है कि नहीं है? बाकी का मैंने समझा दिया था प्रीवियस वीडियोस में, देख लेना जाके, देख लिया है वैसे तो मेरे को पूरा विश्वास है, नहीं देखा है तो देख लेना एक बार जाके, आई थोड़ा सा आइडिया वाली बात। अब यहां पे एग्जामिनर आपको तीन टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है, थ्री टाइप के क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट से रिलेवेंट है, मतलब जो टॉपिक आपने लिया उससे रिलेवेंट। दूसरा उस टॉपिक के पेरिफेरी पर घूमेगा एग्जामिनर, इसको दाएं बाएं का भी आता है कि नहीं आता। और तीसरा वो खुद की तरफ से तैयार करके लाया हुआ क्वेश्चन, जो खुद तैयार करके लाएगा क्वेश्चन वो भी तो पूछेगा ही। जैसे मेरा पिछली बार इंटरव्यू हुआ था तो मैडम अपनी अलग ही एक चिट सी बना के लाई थी और उस चिट में से देख देख के पूछ रही थी क्वेश्चन। नहीं समझ में आई बात? तो ऐसा हो सकता है कि आपको तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए। एक तो आप जिस टॉपिक का आप डेमो दे रहे हो या क्लास ले रहे हो वो, दूसरा उस टॉपिक के इर्द गिर्द, जैसे हंसराज जी ने क्या पढ़ाया था, हंसराज जी ने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस बताए थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम समझाई थी, तो नहीं फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड पढ़ाए थे, ठीक है कि नहीं है? तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पूछ लिया गया, स्ट्रेचिंग मोड पूछ लिए गए, बेंडिंग मोड पूछ लिए गए, समझ में आई? एक स्टूडेंट है जिसने नॉन सिक्वेशन पढ़ाई थी, उससे स्पॉन्टिनिटी नॉन स्पॉन्टिनिटी पूछ ली थी, फिजिबिलिटी पूछ ली थी सेल की, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पूछ ली थी, भाई कैसे कैलकुलेट करोगे आप, हैं? डेल्टा जी और इनोड सेल में रिलेशनशिप पूछ लिया था। तो वो पेरिफेरी के क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे किसी ने एंट्रोपी पढ़ाई थी तो एंट्रोपी के साथ उसने सेकंड लॉ भी पूछ लिया, थर्ड लॉ भी पूछ लिया कि एंट्रोपी किस प्रकार से थर्ड लॉ से रिलेटेड है, रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है कि नहीं है? कुछ अपनी वो लिस्ट बना के लाते हैं उसमें से पूछेंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन की हो तो इनऑर्गेनिक का और फिजिकल का टॉपिक का आप डेमो नहीं दे सकते, दो आपकी मर्जी हो जिसका रहो, लेकिन वो क्वेश्चन जो पूछे ना उनके प्रॉपर आपको आंसर आने जरूरी। और केमिस्ट्री आपने पढ़ रखी है, अपडेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, पढ़ रखी है आपने, अभी एग्जाम दी है आप, अगर आपको आता है तभी तो एग्जाम क्रैक की है, नहीं आता तो कहां से करते हैं आप क्रैक? आती है आपको, आपको 15 मिनट का टॉपिक तैयार करना है, उसकी बैकग्राउंड आपको बना के रखना है, आगे पीछे का पेरिफेरी का सारा पता होना चाहिए, बाकी का जनरल क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक जो ढंग से पढ़ के जाना है वो क्या पढ़ के जाना है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत ढंग से पढ़ के जानी है, उसकी तो बारीक से बारीक चीज भी आपको आनी जरूरी है। एक मैं ये देख रहा था कि कुछ बच्चे थीसिस को लेकर वो हो रहे थे कि वहां पे बैठ के थीसिस को पढ़ रहे हैं, थीसिस को नहीं पढ़ने की जरूरत, R&D होता है, आपके रिसर्च पेपर है ना, बस रिसर्च पेपर को आप थोड़ा सा ढंग से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है ना आपका लास्ट वाला चैप्टर होता है उसमें सारा निचोड़ा जाता है, साहब ये मैंने किया है, ये लो इसमें से पूछ लो, आप कुछ भी पूछो, समझ में आई? या पेपर में से आप उनको पूछ लो, अंदर से आपको कुछ नहीं किया, ऐसे नहीं कि आपको स्ट्रक्चर बनवाएगा वो बड़ी बड़ी नहीं बनवाएगा, उसको भी पता है पिछला आदमी 5 साल में अच्छी खासी चीज भूल जाता है PhD के ड्यूरेशन में, तो ये PhD की चीज किसको याद रहेगी, मुश्किल है, समझ में आई बात? तो PhD को लेकर इतने ज्यादा पजेसिव होने की जरूरत नहीं है कि सर PhD की थीसिस को हम पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं पढ़ने की जरूरत है ना। R&D के लिए पहले भी मैंने R&D के लिए बोला था, आज भी R&D के लिए बोल रहा हूँ, रिसर्च पेपरों के लिए बोल रहा हूँ कि रिसर्च पेपर में कम से कम जो आप
रिसर्च पब्लिश करवा रहे हो आप ये रिसर्च पेपर के थ्रू, कम से कम उसका नॉलेज तो होना जरूरी है ना आपको कि आपने क्या पब्लिश करवाया है, क्या टॉपिक है, हैं? अब वहां पे बैठे वहां पे कहा कि साहब आप पीएचडी कर रखी है, बोले साहब कर रखी है, बताओ आपके पीएचडी का टॉपिक क्या था, किस टॉपिक का, वो टॉपिक ही आपको नहीं पता तो आपने क्या पीएचडी, वो टॉपिक तो याद होना चाहिए ना कम से कम, वो तो कॉन्फिडेंट तरीके से बता दो ना कि हाँ ये मेरा टॉपिक है। इतनी नॉलेज, इतनी ही बातें पूछते हैं, ज्यादा पूछते नहीं है। तो फाइनली जो निकल के आया वो यही है कि पूरा चैप्टर नहीं तैयार करना है आपको, छोटा सा टॉपिक तैयार करना है। अब वो चाहे एनालिटिकल केमिस्ट्री में टीजी हो, डीटीए हो, उनका बेसिक बता दो, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उसका बेसिक प्रिंसिपल होता है वो समझा दो। नहीं समझ में आई, अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें और भी, जैसे कंडक्टोमेट्री टाइटेशन है वो समझा दो आप, क्या दिक्कत होगी। कोई अगर कंडक्टेंस रेजोनेंस के बारे में बताना चाहता है तो वो समझा दो, जिसमें पूरा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तक आ जाएगा, 15 मिनट में आप समझा सकते हो आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेशन में अगर समझाना है तो वीबीटी वगैरह बेसिक चीजें ले लो, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ले लो जिसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आप बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना जो टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हो 15 मिनट के लिए, उसका आगे पीछे का आपको पता होना जरूरी है। ये आगे पीछे का क्वेश्चन पूछ लिया और टाइप फिस हो गई तो गड़बड़ हो जाए, यानी जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसमें से कम क्वेश्चन गलत नहीं हो ना, वो खुद की तरफ से पूछे तो वो क्वेश्चन इजी हो सकते हैं, टफ हो सकते हैं, वो तो उनको पता है कि भाई कितना टफ है, ठीक है कि नहीं है। और जरूरी नहीं है कि वहां पे सारे क्वेश्चनों के आपको जवाब आए, ऐसा कोई धुरंधर पैदा नहीं हुआ जो केमिस्ट्री के सारे जवाब सही कर दे, पैदा ही नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस तो होता ही है, कहीं पे टीचर एग्री नहीं करता, कहीं पे स्टूडेंट एग्री नहीं करता, इसलिए घबराने वाली बात नहीं, ठीक है भाई। तो और दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि सर ये टॉपिक हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे टॉपिक सेलेक्ट करने हैं आपको और उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर हम ये टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, आप हमें इसके ऊपर एक प्रोबेबल 10-15 क्वेश्चनों की लिस्ट बना के दे दो, तो वो लिस्ट बना के मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा। लिस्ट बना के क्या करूंगा, हर एक टॉपिक, जितने भी टॉपिक मेरे पर कॉल आएंगे, जिन टॉपिकों के बारे में आएंगे, उन टॉपिकों के ऊपर छोटे छोटे वीडियो बना दूंगा मैं, 5-5, 7-7 मिनट की, ताकि आपको भी पता जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस वहां पे बन सकते हैं, क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं कर रखा है तो। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। We'll be right back.